हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई, मेरे दो बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज के वीडियो, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो और इसको भी देख सकते हो। दोनों वीडियोस अलग अलग होंगी, तो चाहे आप दोनों देख लीजिए, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखा कीजिएगा, देखिएगा मतलब हमेशा ही, क्योंकि ना एंड मतलब बातें होती हैं कुछ ऐसे ही जो मैंने बोल दी होती हैं और आप फिर वही क्वेश्चन करते हो सेम, तो वो मैंने बता ही दिया होता है। तो जैसे आपने टाइटल से देख लिया कि कौन सी टॉयलेट यूज़ करनी है हमें अपनी प्रेगनेंसी के बाद या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, आप शुरू से जो टॉयलेट यूज़ करते आ रहे हो, अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो आप सेम वही टॉयलेट यूज़ कीजिए, अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हो तो वही कीजिए। हाँ, मुझे किसी लड़की का मैसेज आया था कि दीदी स्पेशल क्या चेंज करवाना पड़ेगा क्या मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, अब जब मेरा मतलब मेरा IVF चल रहा है, जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा क्या मैं अपनी टॉयलेट मतलब नहीं लगवाऊँ क्या, उस पर नहीं बैठना है क्या? तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों ऐसा क्यों कह रही है तू, मतलब मैंने उससे मतलब मेरी बात होती थी, मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों हो गया, कह रही नहीं वो कहते हैं ना कि स्वेटिंग पोजिशन में नहीं बैठना है। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा होता है, कहते हैं, लेकिन तुम्हारी अगर शुरू से यही हैबिट बनी हुई है तो तुम्हें दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि मैं इंजेक्शन लगवाने पैदल जाती थी, पैदल आती थी, है ना, तो मैं वैसे ही जा रही थी जितनी मैं वॉक कर रही थी, मैं वॉक वैसे नहीं जाती थी जैसे मैं अपना कर रही थी, वैसे ही कर रही थी। फिर जब मुझे प्रेगनेंसी हो गई, जब मुझे हार्ट बीट का थोड़ा इशू हो गया कि मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, फिर जाके मैंने थोड़ा रेस्ट के ऊपर, जब मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें थोड़ी रेस्ट करनी है, तो फिर मैंने की। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद तो ऐसा आपको बिल्कुल भी कुछ अपनी लाइफ को ऐसा चेंज नहीं करना है, है ना, तो आप मतलब नहीं क्यों लगवाओगे, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता है। सबसे पहले तो जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको बार बार यूरिन लगने वाली है ना, या फिर यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम अगर होती है, तो जो हमारी इंडियन टॉयलेट है, ये जो हमारी इंडियन टॉयलेट है, ये तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है, स्वेटिंग वाली पोजीशन है, जो उससे एक तो हम जैसे अब मैं हम लड़कियां ऐसी ही बात तो मैं खुद ही कर रही हूँ खुल के, है ना, तो हम जैसे हमारा पेट दुख रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन है, हमें कब्ज़ हुई हुई है, जितना हम ऐसे बैठ जाएंगे तो हमारा पेट दर्द कम होगा और हमारा जोर कम लगेगा। यही हम अगर कुर्सी पे आराम से बैठ के जैसे हमारी वेस्टर्न टॉयलेट है वो कर रहे हैं तो हमारा जोर ज़्यादा लग रहा है ना कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे। और वैसे भी अगर आपको ब्लैडर, आप कितना ज़्यादा पानी पी रहे हो, अगर यहाँ पे हम बैठते हैं ना तो हमारा यूरिन थोड़ा कम ही, हमारा ब्लैडर इतना अच्छे से खाली नहीं होता। लेकिन आप नोट करना कि जब आप इंडियन टॉयलेट पे बैठते हो ना, ऐसे स्वेटिंग की पोजीशन पे आप बैठते हो, नीचे बैठ के आप यूरिन पास करते हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा यूरिन पास होता है, आपका अच्छा खासा जो है ब्लैडर वो खाली हो जाता है। तो ये आपको फ़ायदा ही देगा सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट वाले में तो इतनी दिक्कत होती नहीं है, है ना, आप इतना कर सकते हो। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जैसा लाइफस्टाइल यूज़ करते आ रहे हो वैसा ही आपको करना है ये। हाँ, अगर आपका आप शुरू से वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हो उसमें आपको मेरी बात सुन के ये अपने दिमाग नहीं बिठाना कि नहीं इंडियन वाला तो ज़्यादा सही होता है कि हमें उस पे जाना चाहिए, नहीं, जैसे आप जी रहे हो वैसे ही आपको जीना, जैसे आप शुरू से कर रहे हो। और जब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो जैसे कि अगर आप हेल्दी, अब मेरा तो इशू ही कोई और था ना, मुझे तो फुल बेड रेस्ट देती थी, वो तो बात ही कुछ और थी। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने भी आपको मतलब ग्रीन फ्लैग दिया हुआ है, ग्रीन झंडी दी हुई है कि आप तो मतलब अच्छा खासा आप चल फिर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अगर इंडियन टॉयलेट पे बैठ भी रहे हो तो कोई दिक्कत, आपको तो मतलब अच्छी पोजीशन ही है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर है, क्या पता इससे आप अच्छी खासी आपकी जो हमारे पेल्विक एरिया होता है वहाँ पे उसकी पोजीशन ठीक हो जाएगी, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो हेल्प करेगी आपकी जो आप जैसे पैरों के भार बैठते हो ना, तो वो आपको हेल्प ही करेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ही मेरे जैसी है, जैसे मुझे बेड रेस्ट हो गई थी, अब कुछ लड़कियों को पता नहीं यकीन होगा कि नहीं होगा, आप यकीन कीजिएगा मैं टॉयलेट भी मेरी बेड पे ही थी। अब कुछ लड़कियां तो ऐसे कहती हैं अरे नहीं ऐसा नहीं था, नहीं था, अरे बहन ऐसा था, मैं क्यों गलत बोलूँगी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मेरा ऐसा ही था। फिर मुझे कई कई बार खुद ही ऐसा फील, मतलब मैं आपको यहाँ पे लगाती हूँ, आज यहाँ पे ना मैं लगाती हूँ वो फ़ोटो जिसके ऊपर मैं एक
आई थिंक सुनने वालों को पता नहीं कैसा लगे, लेकिन मुझे है कि अब जो लड़कियाँ मेरी बात सुनती हैं, जिन लोगों को बेड रेस्ट दे दी जाती है उनके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है कि हम कैसे, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम में इशू था, लेकिन मेरे सिस्टर इन लॉ थे उनकी प्रेगनेंसी के बाद उनको डिलीवरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कहते हैं उसको, जो टॉयलेट वाली एरिया में दाने से हो जाती, क्या कहते हैं उसको, बवासीर बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, वो हो गई थी। तो वो कह रहे थे कि मेरे टांकों का, उनका और बेबी भी एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, उसको जैसे पीलिया हो जाता है बच्चे को, तो बेचारे बहुत मुश्किल से उनके टांके वाँके सब, थोड़ा वैसे भी होता है मोटे हो जाता है बंदा प्रेगनेंसी में, तो उनका ज़्यादा वेट गेन हो गया था। तो वो कह रहे थे कि मेरे तो टांकों के नीचे इतना ज़्यादा दर्द होती थी कि मेरा टॉयलेट जाना तक मुश्किल हो गया था। तो वो भी जैसे उसमें कर रहे थे, तो क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, तो मुझे वहाँ से भी हो गया था कि मुझे कैसे कैसे टॉयलेट पास करनी है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि सुसु पॉटी भी ऊपर ही, तो डॉक्टर ने कहा था हाँ भी सुसु पॉटी भी आपको ऊपर ही करना है। तो ये है एक ऐसी चीज़ जो आपको अमेज़ॉन से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं एक ये लिफाफा सा लगा लेती थी और उसमें मैं मतलब क्या ही बताऊँ, बड़ी मुश्किल से अपनी बम्पी को उठा के उसमें मैं करती थी, और ऐसे ही फिर मैं खुद ही बांध के दे देती थी, और वेट वाइप्स के साथ मैं क्लीन करती थी। और उसके साथ एक ऐसी चीज़ भी आती है जिसमें पानी भरा जाता है, आप वॉश भी कर सकते हो। मतलब मैं कहती हूँ ऐसी सिचुएशन किसी की ना आए, लेकिन कुछ लोग ना इस चीज़ का ना गलत सोचते हैं कि ऐसे ही बोल रही है कुछ, यार ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर बीती है ये चीज़, इसलिए मैं बताती हूँ आपको। तो टॉयलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरी सिचुएशन अलग थी, लेकिन अगर आप शुरू से इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न यूज़ करते हो तो वेस्टर्न यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं आपको कहती हूँ कि आप थोड़ा जैसे हम वेस्टर्न टॉयलेट पे आजकल हम, मैं भी ऐसी हूँ कि हम जाते हैं, मुझे अब होता है कि दो मिनट गई हूँ तो आप फ़ोन देख लूँ, है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देर आधा आधा घंटा बैठ जाते हैं। वो टाइम मैं आपको बोलूँगा कि आप पैरों के नीचे ना स्टूल रख लीजिए, ना हर एक टाइम पे हम स्टूल यूज़ करते हैं ना, वो वाला स्टूल रख लीजिए। उससे एक तो टॉयलेट की जो मतलब जो स्टूल पास करने की वो भी हमें जोर कम लगता है, और अच्छी पोजीशन होती है वो, जो प्लास्टिक वाले स्टूल आते हैं वो पैरों के नीचे रख लीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, मेरे जैसी सिचुएशन आपकी ना हो तो। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। तो इंडियन टॉयलेट आपके लिए बेस्ट है अगर आप शुरू से यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसी पे हम बना देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड बाय बाय।